देखिए पृथ्वी के परिमंडल के अंतर्गत आज हम आपको चित्र के माध्यम से पूरा समझाने जा रहे हैं, है ना। ये देखिए पृथ्वी का चित्र बना हुआ है, इसमें बीच में क्रोड है, इसके भाग क्या कहते हैं क्रोड, इसमें आयरन कोबाल्ट और निकल जैसे धातुएं होती हैं जिनमें चुंबकत्व का गुण होता है, इसीलिए ये सब क्या करती हैं अपनी तरफ धातुओं को खींचती हैं, खींचती है नहीं यस सर। उसके ऊपर होता है मेंटल, इसमें हल्की धातुएं होती हैं, क्या होती हैं हल्की धातुएं। उसके ऊपर देखिए इधर ध्यान से, इसको कहते हैं भूपरपटी, ठीक है भूपरपटी। और इस भूपरपटी में देखिए तीन हिस्से होते हैं, कौन से, ये नीले रंग का दिख रहा क्या है, ये पानी, पानी मतलब जल मंडल, ठीक है। और ये स्थल मंडल, उसके ऊपर क्या होता है ये स्थल मंडल, दिख रहा आप लोगों को। और इसके ऊपर क्या होता है ये वायुमंडल, ठीक है। और वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल को मिला के जो भाग होता है उसको कहते हैं जय मंडल, उसी में तो हम लोग रहते हैं, हम लोग जय मंडल रहते हैं ना। हमको तीनों चीजें चाहिए, हवा भी चाहिए, जमीन भी चाहिए और पानी भी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही नहीं सर। उसके बाद वायुमंडल की परतें, ठीक है, एक दो तीन चार पांच, पांच परतें होती हैं। जो सबसे नीचे होता है उसको क्या कहते हैं क्षोभ मंडल, जिसमें हम लोग रहते हैं, है ना, इसी में हम लोग रहते हैं ना, इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। इसके ऊपर संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हवा कम होती जाएगी, है ना, हवा कम होती जाएगी। वायुमंडल एक गैसीय आवरण है जो आकाश में 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है और पृथ्वी के साथ बराबर घूमता रहता है, ठीक है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन अगर पृथ्वी की बात की जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है 21%, है ना। और अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, मीथेन आदि मिलकर 1% है, ठीक है। तो जब भी तुमसे पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, तो 78% नाइट्रोजन, ठीक है। समुद्री क्षेत्रों में हवा का घनत्व अधिक और ऊंचाइयों पर कम होता है, जहां पे समुद्री क्षेत्र होंगे वहां पे हवा का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहां क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चित्र के माध्यम से पूरा पृथ्वी का परिमंडल बताया गया है, आप लोग उसको ध्यान से समझिए। और जब हम अबकी पेपर लेंगे टेस्ट पेपर, तो जब इसके हम भाग पूछेंगे वायुमंडल की कितनी परत होती हैं, तो आप लोगों को सब याद होना चाहिए, ठीक है यस सर।